दोस्तों आपको राजकीय सेवा में हो चुके हैं पूरे 9 साल या फिर 18 साल और आप आवेदन करना चाहते हो एसीपी का, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो देखें। बड़े ही आसान और सरल तरीके से आपको समझाया गया है, आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से बड़े ही आसान तरीके से एसीपी का आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एम के सर एक बार फिर आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज विद एम के सर में आपका स्वागत है। एसीपी, एसीपी मींस एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। प्रत्येक गवर्नमेंट कर्मचारी को उसके उच्च पदों पर प्रमोशन चाहे कितना भी लेट हो, लेकिन उच्च पदों का जो आर्थिक लाभ है एसीपी के रूप में 9, 18, 27 वर्षों में उसको अवश्य मिलता है। और गजेटेड पोस्ट के लिए 10, 20 और 30 वर्षों में उसको आर्थिक लाभ मिलता है। इसी आर्थिक लाभ के लिए एसीपी का आवेदन किया जाता है। आज प्रत्येक कर्मचारी को एसीपी का आवेदन ऑनलाइन करना पड़ता है और एसीपी का आवेदन ऑनलाइन कैसे करना है इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को समझेंगे, बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। यारो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूं। आओ स्टेप बाय स्टेप एसीपी की प्रक्रिया समझते हैं। एसीपी का आवेदन ऑनलाइन करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के रूप में सेव करने हैं, आपके मोबाइल या कंप्यूटर में पीडीएफ बना करके आपने सेव रखने हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में अपने अभी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि प्रथम नियुक्ति आदेश ये आपके पास होना चाहिए और उसका पीडीएफ भी होना चाहिए। प्रथम कार्य ग्रहण आदेश, जो स्कूल या किसी भी कार्यालय में आप ज्वाइनिंग करते हो उसका आदेश। सहायकरण आदेश, छठे वेतन आयोग का अगर आपने लाभ लिया है तो उसके आदेश व नियतन, सातवें वेतन आयोग का आदेश व उसका नियतन। प्रथम एसीपी अगर आपने ली है तो उसका आदेश की कॉपी आपके पीडीएफ के रूप में होनी चाहिए। आपकी अगर डीपीसी हो चुकी है तो उसकी भी आदेश की कॉपी आपके पास होनी चाहिए और 50 रुपए के स्टाम्प पर आपका शपथ पत्र, ये आदेश आपके पीडीएफ के रूप में आपके कंप्यूटर या मोबाइल में होने जरूरी हैं। अभी आगे चलते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में जाकर के हम यहाँ टाइप करते हैं स्टाफ लॉगिन। स्टाफ लॉगिन टाइप करने के बाद में फर्स्ट स्टाफ कॉर्नर पे अपने यहाँ क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ हमने अपनी आईडी और पासवर्ड फिल करना है। फर्स्ट पहले अपने आईडी फिल करेंगे, फिर पासवर्ड फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करने के बाद और लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एसीपी के लिए सबसे पहले हमने इस लिस्ट में इस फॉर्म पर क्लिक करना है, इस फॉर्म पर। इसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, हम यहां क्लिक करेंगे। पुनः आपके सामने फॉर्म लिखा होगा, हमने पुनः इस पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने चार टैब शो हो रही है, हमने एसीपी के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट टैब है अप्लाई फॉर एसीपी, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कार्मिक से रिलेटेड सारी डिटेल्स इसमें शो होगी, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर,
डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉई आईडी, इस तरह की सारी डिटेल हमारी यहाँ शो होगी। यहाँ किसी भी तरह के अगर करेक्शन है तो प्रपत्र 10 में जाकर के उसको संशोधित करवाएं, उसके बाद में ही आप ACP का फॉर्म फिल करें। नोट, अगर कोई आदेश 3 से ज्यादा प्रश्नों का हो तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य प्रश्न, कार्मिक का नाम का प्रश्न और अंतिम प्रश्न ही अपलोड करें। कई बार नियुक्ति आदेश 15-15 पेजों का होता है, तो आपको ध्यान रखें कि पहला पेज और जिसमें अपना नाम है वो पेज, वह अंतिम पेज जिस पे आदेश क्रमांक वगैरह लिखा है, 3 पेज की PDF बना करके आपने अपलोड करनी है। अभी नेक्स्ट देखें, ACP एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण। यदि आपने पहली ACP ले रखी है और ACP अप्रूव हो चुकी है तो ये फर्स्ट पर क्लिक करें, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक ही रहेगा, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। ACP रिवीजन, यदि आपने पहली ACP, मान लो ACP आपकी अभी तक पेंडिंग चल रही है, तब आप ये यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नोट, यदि कार्मिक मॉडल स्कूल में है और अपने पूर्व विद्यालय का निक कोड भरे अन्यथा लागू नहीं। अगर आप मॉडल स्कूल में है या विवेकानंद स्कूल में है, क्योंकि वहां प्रतिनियुक्ति होती है, तो आपने इससे पहले जहां परमानेंट आपकी पोस्टिंग है उसका निक कोड भरना है, अदरवाइज इसको खाली ही छोड़ें। इस बॉक्स में आप देखें, यहां आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक यहां फिल होगी, प्रपत्र 10 से उठाई हुई है। यदि ये सही नहीं है, इसमें आप करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो प्रपत्र 10 में ही आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आपने चूज फाइल में यहाँ प्रथम नियुक्ति आदेश अपलोड करना है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, यह आपसे पूछ रहा है आपका नियुक्ति आदेश कहाँ पड़ा है। यहां से अपन फर्स्ट नियुक्ति आदेश अपलोड कर सकते हैं। हमने फर्स्ट नियुक्ति आदेश अपलोड कर दिया है। अब आपकी ज्वाइनिंग बिफोर नून आफ्टर नून है, तो बिफोर नून है तो यहां क्लिक करेंगे, आफ्टर नून है तो यहां क्लिक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद या पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई है, तो जिला स्थापना समिति द्वारा जारी चयन आदेश की प्रति भी अपलोड करें। इसका मतलब कि 2012 की जो भर्ती थी उसमें जिला परिषद या पंचायत समिति के माध्यम से सिलेक्शन हुए थे, तो उनके आदेश भी यहाँ साथ में PDF बना करके अपलोड करने हैं। स्थायीकरण तिथि, प्रत्येक कर्मचारी 2 साल बाद स्थायी होता है, तो उसके आदेश की जो तिथि है वो आपने यहाँ फिल करनी है। लगभग ये ज्वाइनिंग डेट ही होती है, कुछ केस में छोड़ करके यहाँ अपन फिल करते हैं। और स्थायीकरण आदेश के जो है वो यहाँ अपलोड करने हैं। ये हमने स्थायीकरण आदेश अपलोड कर दिए हैं। सहवर्ग, आप किस वर्ग में हो, अध्यापक वर्ग अधीनस्थ सेवा में ही आता है। इसके बाद में हम यहाँ सेव बटन पर क्लिक करके इसको पूरी डेटा को हम सेव कर लेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली, हम ओके पर क्लिक करेंगे, ये हमारा डाटा सेव हो चुका है। अपडेट पर क्लिक करके अगर आप करेक्शन चाहते हो तो करेक्शन भी कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता, ये कार्मिक की जो भी शैक्षणिक योग्यता है जो आपने प्रपत्र 10 में भरी है उसके बारे में यहाँ डिटेल है। नीचे चलते हैं, प्रशैक्षिक योग्यता, ये प्रशैक्षिक योग्यता है आपकी। अब अपन चलते हैं स्क्रोल बाल से, सेवा काल में पदोन्नतियों का विवरण, आपकी सेवा काल में पदोन्नति 1 बार हुई है, 2 बार हुई है, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ भरनी है। यहाँ लागू नहीं, आपने अगर लागू नहीं है तो यस पर क्लिक करेंगे, और यस पर क्लिक करते ही ये इसकी सारी डिटेल इनविजुअल हो जाएगी। देखें,
ये देखो इनविजिबल हो गई, लेकिन अगर पदोन्नति हुई है तो आपने नो पर क्लिक करना है। डिटेल भरने के लिए आपने नो पर ही क्लिक करना है। नो पर क्लिक करते ही ये विजुअल हो जाएगी डिटेल पूरी। तो यहाँ आपने डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले प्रकार, आपकी कौन सी डीपीसी है, पदोन्नति है, फर्स्ट है, पदोन्नति पद किस पद पर आपकी डीपीसी हुई, मान लो सेकंड ग्रेड पर हुई है, कार्यग्रहण या परित्याग, आपने कार्य ग्रहण किया था या परित्याग किया था उस डीपीसी का, तो आपने कार्य ग्रहण किया। डीपीसी कौन सी ईयर की थी, तो आपने जिस ईयर में आपकी डीपीसी हुई है तो वो आपने यहाँ फिल करना है। उस डीपीसी का आदेश क्रमांक आपने यहां भरना है। आदेश दिनांक भी भरनी आपने यहां। आपने कार्य ग्रहण कब किया, जिस तारीख को आपने कार्य ग्रहण किया वो डेट आपने यहां फिल करनी है। डीपीसी के जो आदेश थे उस आदेश की प्रतिलिपि पीडीएफ के अंदर हमने यहां अपलोड करनी है। इस तरह हमने अपलोड कर दी है और एक्शन अभी सेव करेंगे पूरी डिटेल को। इस तरह डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी दो बार डीपीसी हुई है तो सेकंड डीपीसी भी इसी तरह आपने फिल करनी है। यहां सेकंड डीपीसी आ जाएगी आपकी इस तरह, इस कॉलम में सेकंड डीपीसी आप फिल कर सकते हो। अभी नेक्स्ट चलते हैं। पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण, ये एसीपी की डिटेल्स है। यदि आपकी पहली एसीपी है तो आप यहां लागू नहीं यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही ये इनविजिबल हो जाएगा। यदि आप 18 वर्षीय सेकंड एसीपी के लिए आवेदन कर रहे हो तो आप यहां नो पर क्लिक करोगे और ये इसकी पूरी डिटेल विजुअल हो जाएगी और आपने यहां डिटेल भरनी है। ध्यान है कि आपने अब इसमें प्रथम एसीपी मतलब 9 वर्षीय एसीपी की डिटेल भरनी है। प्रकार, आपने फर्स्ट एसीपी ली है तो फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। वेतन आयोग, जब आपने फर्स्ट एसीपी ली उस समय कौन सा वेतन आयोग था, उस समय आपका सिक्स पे कमीशन छठा वेतन आयोग था। वेतनमान पे बैंड या पे लेवल पीबी 2 था। वेतनमान ग्रेड पे ग्रेड मैट्रिक्स 3600 पर फिक्स हुए थे। आप अपने लेवल पे अपने हिसाब से देख लेना कौन सा पे मैट्रिक्स, तो वही आपने यहाँ फिल करना है। प्रभावी दिनांक, किस तारीख को आपको यह वेतनमान मिला था उसकी ये डिटेल है। तो मैं यहाँ डेट भर देता हूँ। स्वीकृत क्रमांक, जो आपके आदेश निकले उसका क्रमांक क्या था वो आपने यहाँ फिल करना है। स्वीकृत दिनांक, ये आपको सारी डिटेल आपके आदेश पर मिल जाएगी, किस तारीख को आपका जो आदेश है स्वीकृत हुआ। किस तारीख को आपका ये आदेश स्वीकृत हुआ वो डेट आ जाएगी। यहाँ आपने अपलोड करनी है प्रथम एसीपी के आदेश की कॉपी, फर्स्ट एसीपी अपलोड कर दी हमने, सेव पर क्लिक कर इसको सेव कर लिया, डाटा सेव सक्सेसफुली। दोस्तों यदि आपने दूसरी एसीपी भी ले ली है
18 वर्षीय लाभ भी ले लिया है तो आप यहाँ उसकी डिटेल फिल करेंगे सेकंड कॉलम में, यहाँ आप उसकी डिटेल फिल कर सकते हो और सेव बटन पर क्लिक कर उसको सेव कर सकते हो। अब अपन चलते हैं पुनरक्षित वेतनमान 2008 और 2017 में निर्धारण का विवरण। जो सिक्स्थ पे कमीशन और सेवन्थ पे कमीशन की जो डिटेल है वो डिटेल आपने यहाँ भरनी है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने सिक्स्थ पे कमीशन या सेवन्थ पे कमीशन का लाभ नहीं लिया है तो आप लागू नहीं, यस पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करते ही ये इनविजिबल हो जाएगा। और यदि आपने सिक्स्थ पे कमीशन या सेवन्थ पे कमीशन का लाभ लिया है तो आप नो पर क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। देखते हैं कैसे फिल करते हैं। प्रकार, आपने फर्स्ट कौन सा वेतनमान लिया, वेतन आयोग, हमने मेरे केस में मैंने सिक्स्थ पे कमीशन लिया था पहले, वेतनमान, पे बैंड या पे लेवल, ये आपका आ जाएगा PB2 93,34,800। वेतनमान, ग्रेड पे, पे मैट्रिक्स, मेरे केस में मैं यहाँ फिल करूँगा 3600, आपका जो भी ग्रेड पे हो वहाँ यहाँ फिल कर सकते हो। वेतनमान में विकल्प की दिनांक, जो भी आपको विकल्प डेट दी थी वो आपने यहाँ फिल करनी है। आदेश की प्रति, यहाँ फिर आपने आदेश, छठे वेतन आयोग का आदेश आपने अपलोड करना है। हमने छठे वेतन आयोग का जो आदेश था वो अपलोड कर दिया है और सेव पर क्लिक कर इस एंट्री को सेव कर दिया। इसी क्रम में हम सेवन्थ पे कमीशन की डिटेल भी इसी तरह अपलोड करेंगे। अभी यहाँ आ जाएगा सेकंड वेतन आयोग, सेवन्थ वेतनमान, पे बैंड और पे लेवल, यहाँ डैश आएगा क्योंकि सेवन्थ पे कमीशन ने ग्रेड पे सिस्टम को खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था, इसलिए यहाँ डैश आएगा। अभी ग्रेड पे की जगह लेवल शुरू कर दिए थे तो अभी आपके सेवन्थ पे में कौन सा लेवल पे आप फिक्स हुए थे वह यहाँ आपने फिल करना है। मेरे केस में L11 पर फिक्स हुआ था, L11 मैंने फिल कर दिया। वेतनमान में विकल्प की दिनांक, यहाँ वेतनमान में विकल्प की दिनांक आपने फिल करनी है, जो भी डेट थी वो आदेश में देख करके आपने फिल करनी है, जुलाई और 1। अब आदेश की प्रति, हमने यहाँ सेवन्थ पे कमीशन के आदेश की प्रति अपलोड कर दी है और सेव पर हमने क्लिक कर दिया, डाटा सेव हो चुका है। सिक्स्थ पे कमीशन में आप थोड़ा सा ध्यान दें कि सिक्स्थ पे कमीशन रिवाइज हुआ था 2013 में, तो 2013 के हमने आदेश लगाने हैं, न कि 2008 के। और आदेश में भी दो तरह के आदेश थे, एक लेखा अधिकारी द्वारा आदेश निकाले जाते हैं और एक अपने सीबीओ द्वारा आदेश निकाले जाते हैं। सीबीओ वेतन निर्धारण के आदेश निकालता है, नियतन के आदेश निकालता है, दोनों ही आदेश लेखा अधिकारी द्वारा आदेश जो निकाले गए हैं और एक सीबीओ द्वारा आदेश निकाले गए, दोनों की पीडीएफ बना करके हमने अपलोड करनी है, चाहे वो छठा वेतन आयोग हो या सातवां वेतन आयोग है, दोनों की पीडीएफ बना करके हमने एक साथ अपलोड करनी है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, आवेदित एसीपी का विवरण, हमने जिस एसीपी के लिए आवेदन किया है उसका यहाँ विवरण देना है। तो पहला प्रकार, 9 वर्षीय है या 18 वर्षीय, हमारे केस में ये 18 वर्षीय पर क्लिक किया है। वेतनमान, पे बैंड या पे लेवल, ये इसमें डैश ही आएगा। दे दिनांक, ये आपकी ज्वाइनिंग डेट से 18 वर्ष पूर्ण होते हैं वो डेट आएगी यहाँ। अगर आपने, यहाँ थोड़ा ध्यान दें, अगर आपने बाद दोपहर फर्स्ट पोस्टिंग में ज्वाइन किया है, फर्स्ट पोस्टिंग में बाद दोपहर ज्वाइन किया है तो ये नेक्स्ट डे की डेट आएगी, अदरवाइज सेम डेट आएगी जिस डेट को आपने ज्वाइन किया है, 31 मार्च। वेतनमान, ग्रेड पे, पे मैट्रिक्स, ये आप 18 वर्ष बाद जो आपको लेवल मिलेगा
आप पहले L11 में थे, L11 में थे, अब आप यहाँ L12 फिल करोगे। दे वेतन आयोग, जो सातवां वेतन आयोग है, 7th पे कमीशन, ये क्लिक करेंगे। इस तरह ये हम सेव करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दिनांक 31/5/2002, अभी ये बच्चों की डिटेल है, तक जीवित बच्चों की संख्या 2002 तक के जीवित बच्चों की संख्या आपने यहाँ फिल करनी है। नाम, जन्मतिथि, यदि ये लागू नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। और 2002 के बाद में बच्चों की संख्या आपने यहाँ फिल करनी है। यहाँ आपने नाम भर दिया और वहाँ जन्म तारीख, जन्मतिथि और डेट ऑफ बर्थ बच्चों की भर दी और सेव कर दिया आपने। 2002 के बाद में आपके जितने बच्चे हैं उन दोनों की डिटेल आएगी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। संतान संबंधी घोषणा पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पर जो आपने शपथ पत्र बनाया है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। यहाँ अपलोड कर दिया हमने। अभी आप नीचे देखें, सेवाकाल में कर्मचारी को सीसी नियमों के तहत कोई सस्ती या दंडादेश दिया गया है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना, अदरवाइज नो पर ही इसको रहने देना है। अभी आपके सामने फाइनल सबमिट का बटन आपको शो हो रहा है। फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार पुनः सारी डिटेल देख लें, कोई करेक्शन करनी हो तो आप कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा और क्या आप इस प्रविष्टि को सेव करना चाहते हैं, आपने यस पर क्लिक करना है। इस तरह एक रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी आएगी और वो ओटीपी को आपने यहाँ फिल करना है। ओटीपी फिल करते ही फाइनल सबमिट पर आपने क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल डीडीओ को फॉरवर्ड हो जाएगी। अब आगे डीडीओ उसको डीओ को फॉरवर्ड करेगा। डीडीओ लेवल पर आपने उस अपने इस एसीपी प्रकरण को एसीपी को कैसे डीओ को फॉरवर्ड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अब उसके बारे में भी अपने देखेंगे। हमने एसीपी के लिए जो आवेदन किया स्टाफ लॉगिन से उसका स्टेटस चेक करने के लिए हम सबसे पहले डीडीओ लेवल पर लॉगिन करेंगे। तो किसी भी ब्राउजर में जाकर के साला दर्पण टाइप करेंगे और साला दर्पण टाइप करने के बाद में साला दर्पण आईडी से उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो हमने सबसे पहले कार्मिक में जाकर के फॉर्म अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे सिलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यहाँ हम एसीपी क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड पेंडिंग, पेंडिंग क्लिक करते हैं और शो पर क्लिक करते हैं। जितने भी कार्मिक की एसीपी पेंडिंग होगी यहाँ में यहाँ शो करेगी। आप यहाँ देखेंगे कि मेरी ही एसीपी पेंडिंग शो हो रही है। तो अभी डीडीओ लेवल पर क्या करना है आपने, यहाँ रिमार्क ओके कर देंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ओके। इसके बाद में आपने चूज फाइल, चूज फाइल का थोड़ा ध्यान दें। चूज फाइल जो आपने साला दर्पण पे, जो आपने स्टाफ लॉगिन पे अपना फॉर्म फिल किया था उसके आपने प्रिंट निकालना है। दो पेज का प्रिंट होगा, दो पेज का प्रिंट निकालना है और उस पर साइन करके अपने और डीडीओ को जमा करवाना है। डीडीओ उसको साइंड करेगा और साथ ही एक अपने द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दोनों की पीडीएफ मिला करके, दोनों की पीडीएफ बना करके यहाँ अपलोड करेगा और यहाँ एक्शन में अपलोड क्लिक कर सेव बटन पर क्लिक करेगा। सेव बटन से पहले एक एंट्री पर भी क्लिक करना है। डीडीओ द्वारा किसी तरह का दंड दिया गया है तो यहाँ एंट्री भरनी है, अदरवाइज यहाँ आपने कोई दंड नहीं दिया गया, यहाँ क्लिक करके इसको क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। यह डीडीओ से डीओ को फॉरवर्ड हो जाएगा।
इस तरह अपना ACP फॉर्म स्टाफ लॉगिन से DDO, फिर DDO से DO को फॉरवर्ड हो जाता है और DO इसको वेरीफाई कर अप्रूव्ड कर आगे ACP के लिए आदेश जारी करता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।